जिला बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अमान्य विद्यालयों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालयों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें और नियमों की अवहेलना करने वालों पर जुर्माना भी लगाएं। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा कि गुरुवार को लगभग 10 अमान्य विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीएसए ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर 1,00,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बीएसए बीएन सिंह ने कहा, विद्यालय संचालित हैं लेकिन हम उनको बंद कराने के लिए एक अभियान चलाए हैं और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को पूरी मेहनत से कर रहे हैं और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है आज ही करीब 10 विद्यालय बंद हुए हैं, उनमें ताला लगाया गया। अगर वो नहीं मानते इसके बाद भी तो 1,00,000 रुपया जुर्माना लगाया जाएगा। ये शासन का स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी अमान्य विद्यालय न चलाया जाए और उस परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा कार्य भी किया जा रहा है, टीमें गठित कर दी गई हैं और उनको बंद कराने का पूरा प्रयास और उम्मीद है कि हम एक भी अमान्य विद्यालय नहीं चलने देंगे। अनुमानित कितने विद्यालय जनपद में इस तरह बंद हैं? लगभग छोटा बड़ा मिलाकर के कमोबेश 400 के आसपास चल रहे हैं जो सूचना प्राप्त है और हम सारे को बंद करा देंगे। चूँकि शासन ने मान्यता देने का भी नियम वो कर दिया तो हम मान्यता भी दिए हैं, कोई मान्यता आज की तारीख में मेरे पास पेंडिंग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अमान्य विद्यालय चलेगा नहीं। पहले नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया भी जा चुका है पूर्व में और नोटिस देने के बाद इन विद्यालयों को बंद किया जाता है और इन विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं वो हमारे निकट के जो प्राथमिक विद्यालय हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें उनका प्रवेश कराया जाता है। गार्जियन को कोई नुकसान नहीं है? नहीं, गार्जियन को कोई नुकसान नहीं है, हम उनको एडमिशन दिलाते हैं। तो इस तरह जो विद्यालय चला रहे हैं जो भी प्रबंधक हैं या शिक्षक हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे ही वो सबसे पहले तो मैं अपने गार्जियन से ही एक अपील कर रहा हूँ कि वो पहले पता लगा लें विद्यालयों के विषय में कि कौन सा विद्यालय हमारा मान्य है कौन सा नहीं है। और मान्य विद्यालयों में हमारे परिषदीय विद्यालयों में आज की तारीख में अब आप गोरखपुर में देखिए हमारे परिषदीय विद्यालय एक से बढ़ के एक हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम भी हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ एडमिशन कराएं, अगर वहाँ से संतुष्ट होते हैं ठीक है, वो बगल के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में वो एडमिशन कराएं, प्रवेश दिलाएं और उसकी सूची जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उसकी सूची नेट पे उपलब्ध है वो देख लें, वहाँ कराएं। ये अपील है सारे अभिभावकों से कि वो अधिक से अधिक अपने बच्चों का प्रवेश परिषदीय विद्यालयों में कराएं।